खुदू साहब ने 3 मरतबा ये क्वेश्चन बना ये किया जी है। वो पूछना चाह रहे हैव यू सीन एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन एंड सिविल स्पेशली वो कह रहे हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। इसमें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सिविल इंजीनियरिंग स्पेशली वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अरामको का नाम सुना होगा आपने। अरामको के अंदर बेसिकली अरामको जो है वो ऑयल और इनके ऊपर काम करती है, बट उनका जो है ना पीछे और भी बहुत सारी चीजों में काम है। वो सिविल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करते हैं और चीजें करते हैं। तो अरामको की एक स्टार्टअप कंपनी भी है अपनी, और अरामको के अंदर भी काम हो रहा है। तो वहां पे ये लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में। सबसे बड़ी जो चीज है वो है डेटा एविडेंस वेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। उनको कोई भी एक चीज पास करने के लिए या मूव करने के लिए जो है मुख्तलिफ साइन लेने पड़ते हैं मुख्तलिफ जगहों से। वन बाय वन प्रोसेस होता है, फिर वो किसी और जगह पे पेपर पड़ा हुआ है, फिर वो कहीं और जा रहा है। तो ये जो पेपर है वो लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं इनटू डिजिटल। वो कर नहीं सकते जब तक कि उनके पास ब्लॉकचेन नेटवर्क ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पीडीएफ कॉपी मैं आपको देता हूँ, मैं कहता हूँ उस पर मैंने आपको साइन करके कुछ भेज दिया है। अब मैं जो हूँ वो जो साइन करके मैंने आपको भेज दिया है, अब वो जो है आप भी साइन कर दें, मैं उसकी कॉपी बना के इसको भेज सकता हूँ। तो उसका एविडेंस क्या होगा, उसके रियल एसेंस क्या होगा, उसकी रियल ताकत क्या होगी, ये यहाँ पे सारी चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं। डिजिटल दुनिया में सारी चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं। आपकी पिक्चर हो गई, आपका आपकी पीडीएफ कॉपी हो गई, कुछ भी हो सकता है। इसलिए डिजिटल कॉपी के ऊपर जो बैंक्स भी होते हैं वो कहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप जाके स्टैंप मोहर लगी हुई जो है ना पेपर नहीं लाके देंगे हमें, तब तक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये थी पुरानी दुनिया। अब जो नई दुनिया है उसके अंदर क्या है, ब्लॉकचेन नेटवर्क है। उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के उस स्पेसिफिक फाइल का एविडेंस मौजूद है। वो जरा सा भी वो फाइल के अंदर आपने एक नुक्ता भी डाला ना, तो वो फाइल का एविडेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टोग्राफिकली यानी हैशेस यूज हुए हैं ब्लॉकचेन पे। तो जैसे ही आपने एक उसके अंदर 1 इंच का भी इजाफा किया, तो वो फिर करप्ट हो जाएगी वो फाइल, और उसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है, हाँ ये करप्ट फाइल है। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क का ये फायदा है। और ये ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है ये आपके यानी तमाम वहाँ पे सिविल इदारों में यूज हो रहा है। तो अरामको के अंदर इस तरह से काफी काम हुआ है और लोग कर रहे हैं। वो डिजिटल एविडेंस वेरिफिकेशन के नाम से उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। सर एक्सीलेंट, सर एक्सीलेंट। मतलब ये कि जो अभी हम देसी तरीके से जिस तरह काम करते हैं कि साइन करवाया, स्टैम्प लगवाया, ठीक है ना, और हम उसकी वैलिडिटी या उसको उसके ऊपर ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि उसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है, हम उसको ट्रेसेबल कर पाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि अगर किसी का कोई डिजिटल सिग्नेचर भी है तो उसको हम उसको ट्रेसेबल बना सकते हैं।